हम लास्ट क्या बना रहे थे? हाँ, हम एक करड़ ऑपरेशन कर रहे थे पाइन कोन के साथ। एक्चुअली हम एक सोशल मीडिया साइट बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं अब। ठीक है, हम एक सोशल मीडिया एक साइट बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम उसमें दो फीचर इंक्लूड करेंगे। एक तो करड़ ऑपरेशन कर लेंगे हम, जो कि काइंड ऑफ समझ लेंगे बंदा पोस्ट कर रहा होगा और वो सामने दिख रही होगी। ठीक है, अच्छा, करड ऑपरेशन हमने पहले किया हुआ है। इस करड ऑपरेशन का मकसद जो है वो पाइन कोन को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, और उसके बाद जो है हम इसी ऐप के अंदर या एक दूसरी ऐप बना के हम एक चैट ऐप बना लेंगे, जो हमें चैट बॉट के लिए यूआई की ज़रूरत होगी, जो उसके उसको समझने के लिए। ठीक है जी, अच्छा, तो अभी तक हमारे पास क्या कुछ मौजूद है? हमारे पास जो है वो हमारे पास एक करड़ ऑपरेशन के नाम से फ़ोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर अगर हम देखें तो ये एक एक्सप्रेस की एप्लीकेशन है। ठीक है, इसके अंदर पैकेज डॉट जेसन मौजूद है, इसके अंदर सर्वर डॉट एम जे एस की फाइल मौजूद है। अच्छा, और इस पूरे सर्वर के अंदर एक वेब के नाम से फोल्डर है, जो कि कंप्लीट रिएक्ट की एप्लीकेशन है। और दोनों एप्लीकेशन को हम ज़रा रन कर लेते हैं और दोनों में देख लेते हैं अभी तक क्या कुछ है। पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, सर्वर को रन कर लेता हूँ। सर्वर के रूट फोल्डर पे जाके npm run dev चलाता हूँ मैं, और दूसरा फिर मैं वेब के फोल्डर में जाके npm start चलाता हूँ। तो इससे क्या होता है कि ये दोनों ये फोल्डर जो है वो चल पड़ते हैं। सही है, दोनों फोल्डर ये चल पड़ते हैं। तो सोशल स्टोरीज़ के नाम से हम एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं। अच्छा, अपने रिएक्ट की ऐप में हमने एक फॉर्म बना लिया था। सही है, स्टोरी को पोस्ट करने के लिए एक फॉर्म बना लिया था, बट देन हमने डिसाइड किया कि यार हमें सर्वर वाला कोड जो है ना वो शायद पहले कर लेना चाहिए। तो फिर हम सर्वर की तरफ मूव कर गए थे, और अब हम सर्वर में देख लेते हैं कि हमारे पास क्या कुछ मौजूद है। सर्वर में हमने जो है वो एक्सप्रेस की एक लाइब्रेरी इंक्लूड कर ली है। उसके अलावा ये नैनो आईडी इसमें मौजूद है, जिसकी शायद मुझे ज़रूरत नहीं है, उसको मैं हटा देता हूँ। नैनो आईडी एक लाइब्रेरी होती है, अगर यूनिक आपको जैसे 5 डिजिट का एक यूनिक नंबर आपने जनरेट करवाना है तो उसके लिए वो काम आती है। MongoDB की लाइब्रेरी मैंने रिक्वायर की हुई है, जिसके ज़रिए मैं क्या करूँगा, डेटाबेस में अपना डेटा सेव करवा रहा था, क्योंकि ये वाली जो MongoDB की ऐप है, ये वाली जो एक्सप्रेस की ऐप है, ये मैंने एक पुरानी ऐप को क्लोन किया है, कॉपी ली है उसकी। तो उसके अंदर MongoDB जो है वो क्या हो रहा है, पहले से कनेक्टेड है, बट अब की बार मैंने क्या करना है, MongoDB को हटा के उसके अंदर पाइन कोन को कनेक्ट करना है। मॉर्गन जो है वो लॉग हम उससे कर रहे होते हैं। ठीक है, कोर्स की हमें ज़रूरत है, यहाँ पे कोर्स पॉलिसी हमें डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। उसका रीज़न ये है कि हमारा जो अभी फ्रंट एंड है और बैक एंड है, डेवलपमेंट के टाइम पर वो अलग अलग URL के ऊपर चल रहा है। ठीक है, हम इसको अलग से चलाते हैं, npm start तो ये 3000 पे चलता है और सर्वर हमारा 5001 पे। तो मुझे कोर्स पॉलिसी की यहाँ पे ज़रूरत है, उसके बगैर ये सर्वर मेरा काम नहीं करेगा। अच्छा, उसके अलावा मैंने ये dir नेम बना ली है। dir नेम से मैं क्या करता हूँ कि जो स्टेटिक फोल्डर है उसके अंदर लगाता हूँ इसको। इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्या चीज़ है ये। अच्छा, उसके अलावा पाइन कोन की लाइब्रेरी हमने इसमें इंक्लूड कर ली है, OpenAI की लाइब्रेरी इंक्लूड कर ली है, और .env करके जो लाइब्रेरी है उसको भी हमने इंक्लूड कर लिया। .env क्या करता है कि .env की फ़ाइल में से तमाम की तमाम चीज़ें जो लिखी हुई हैं उसको उठा के इन्वायरमेंट वेरिएबल में टेम्प्रोरीली उसको सेट कर देता है वो। ठीक है, जब तक मेरी ऐप चल रही होती है। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे OpenAI को इनिशियलाइज़ कर लिया है, क्योंकि मुझे इस करड ऑपरेशन के अंदर मुझे OpenAI की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, ये कुछ MongoDB वाली इसमें क्रेडेंशियल्स कुछ अटैच हुए हैं, क्योंकि ये मेरी पुरानी ऐप मैंने कॉपी की थी सर्वर, तो उसके अंदर MongoDB पहले से लगा हुआ था। ठीक है जी। अच्छा, हम वैसे बाय द वे अभी हम पाइन कोन से बना रहे हैं करड ऑपरेशन, लेकिन इवेंचुअली ना हम पाइन कोन को इस्तेमाल नहीं करेंगे। सही है। अच्छा, उसका रीज़न क्या है, पाइन कोन असल में है वेक्टर डेटाबेस, और इस वक्त ये थोड़ा सा हाइप पे है। लेकिन पाइन कोन जो है वो उसकी एक तो प्राइसिंग बहुत ज़्यादा अजीब किस्म की है ना, ऑड है प्राइसिंग थोड़ी, और दूसरा ये कि जो पाइन कोन वाली फंक्शनैलिटी ना MongoDB ने अभी 7.0 जो इनका रिलीज़ हुआ है पता नहीं कौन सा, उसके अंदर इंक्लूड कर दी है। इंक्लूड तो पहले से ये थी, ज़रा उसके लिए एक दो चीज़ें बना के ना और उसको बाकायदा मार्केट कर दिया। तो हम इवेंचुअली MongoDB यूज़ करेंगे, लेकिन पाइन कोन यहाँ पे यूज़ करने का मकसद ये है कि आपका डर निकल जाए, कल को कोई ये ना हो कि कहीं पाइन कोन का नाम लेता आपके हाथ पैर फूल जाए। क्योंकि अभी जो हम ये अभी पढ़ने जा रहे हैं, जो हम यहाँ पे उसका एक नाम पढ़ चुके हैं अब, जिसको कह रहे हैं लोग OP स्टैक।
सही है, ओपन एआई और पाइन कोन स्टैक। अब इसमें पाइन कोन तो आना ज़रूरी है आपको, ठीक है, तो वो इस वजह से मैं पाइन कोन का चाहता हूँ कि आपको एक करड़ ऑपरेशन कर दूँ, लेकिन इवेंचुअली हम पाइन कोन को हटा देंगे, वापस मोंगो डीबी लगा देंगे, क्योंकि यही सारे काम अब मोंगो डीबी में भी हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा जो कंपैरिजन अगर मैं करूँ तो मोंगो डीबी में और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं इसके अलावा, ठीक है, तो मोंगो डीबी इज़ ऑल इन वन टूल, उसमें सारे काम हो जाते हैं मेरे। सही है, पाइन कोन में बहुत सारी चीज़ों पर फिर लिमिटेशन भी आ जाती है, मिसाल के तौर पर अगर मुझे कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम की क्वेरी लगानी है तो वो पाइन कोन पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बहरहाल पाइन कोन का वो काम भी नहीं है क्योंकि वो वेक्टर डेटाबेस है। अच्छा, तो ये मेरे पास मोंगो डीबी की सारी क्रेडेंशियल्स यहाँ पर आ गए। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने कोर्स पॉलिसी डिफाइन कर दी कि जी लोकल उस 3000 से रिक्वेस्ट आए तो उसको आने दो। अच्छा, और ये मॉर्गन का मिडलवेयर लगा दिया। अब उसके बाद मेरे पास जो है ना ये गेट स्टोरीज, यहाँ पे मैंने डमी पहले लगाने का कोशिश की थी, जो मतलब रिस्पांस मैंने डमी भेजने की कोशिश की थी, लेकिन हमने ये बाद में डिसाइड किया कि नहीं जी सर्वर हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने सर्वर कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, तो सबसे पहले हम इसमें गेट नहीं बनाते हैं, सबसे पहले हम बना लेते हैं पोस्ट, क्योंकि पोस्ट का हमने फ्रंट एंड के ऊपर वो भी बनाया हुआ है, फॉर्म भी बना के रेडी किया हुआ है ना, तो हम यहाँ पे पोस्ट स्टोरी सबसे पहले बना लेते हैं। अच्छा, साथ साथ मैंने ये भी जिक्र किया था कि मेरे पास एक जो है ना मेरी गिटहब में पाइन कोन का मैंने करड़ ऑपरेशन बना के रखा हुआ है, तो मैं वहाँ से जल्दी से कॉपी करूँगा कोड ताकि टाइम बचा सकें हम थोड़ा अपना। ओके, ये वाला पाइन कोन वाला नीचे वाला जो है ना, ये पाइन कोन वाला है, ये मोंगो डीबी वाला है। ठीक है, ये जो पाइन कोन का करड़ है मुझे उसको बनाने में 3 हफ्ते 4 हफ्ते लग गए थे, जो मैं आपको अभी 20 मिनट में बता दूंगा। सही है, तो भाई ये नई चीज़ें आती रहती हैं, सीखना पड़ता है, टाइम लगता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, जब कोई नई चीज़ आती है तो आपके जो साथ वाला नया स्टूडेंट है या नया जूनियर है जो, और आप जो होते हैं ना वो उसमें एक ही लेवल पे खड़े हुए होते हैं। ठीक है, अच्छा पाइन कोन को सबसे पहले मैं ऐसे इनिशियलाइज़ कर लेता हूँ इनिट। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं कहाँ से देख के कर रहा हूँ, मैं पाइन कोन की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है ना वहाँ से देख के कर रहा हूँ। ये मोंगो डीबी इनिशियलाइज़ हुआ हुआ है, मोंगो डीबी के फ़ौरन बाद मैंने क्या कर दिया, पाइन कोन को भी इनिशियलाइज़ कर दिया मैंने। ठीक है, पाइन कोन को इनिशियलाइज़ करने के लिए मुझे क्या क्या रखना पड़ा यहाँ पे, पाइन कोन करके एक मैंने न्यू क्लाइंट तैयार किया इसमें। अच्छा, और उसके बाद मैंने कहा कि यार जो भी नया क्लाइंट तैयार हुआ है ना उसके ऊपर डॉट इनिट लगाओ, और उसके अंदर दो चीज़ें दो, एनवायरनमेंट और एपीआई की। अच्छा, एपीआई की क्या चीज़ है, आ जाते हैं हम यहाँ पाइन कोन के वेबसाइट के ऊपर, लॉग इन। अच्छा, ये कल हमने यहाँ पे बनाया था इंडेक्स, तो ये सेट हो गया ना, ओके हो गया इसका। अच्छा, अब पाइन कोन के अंदर जो एक इंडेक्स होता है ना वो आप समझ लें एक डेटाबेस होता है। सही है, एक इंडेक्स जो है वो एक डेटाबेस आप उसको कंसिडर कर लें कि वो होता है, बावजूद इसके कि डेटाबेसेस के अंदर इंडेक्स का मतलब कुछ और ही होता है, और यही वजह थी शायद कि मुझे समझने में उसको काफ़ी टाइम लग गया। मैं यही समझ नहीं पा रहा था कि ये इंडेक्स क्या चीज़ है, मैं समझ रहा था डेटाबेस बनेगा उसके अंदर इंडेक्स बनेगा, लेकिन ये अपने डेटाबेस को ही इंडेक्स कहते हैं। सही है, तो ये इंडेक्स मेरे पास बन के यहाँ पे तैयार हुआ हुआ है। अच्छा, इस इंडेक्स के अंदर जब मैं जाता हूँ तो इस इंडेक्स के अंदर जो है ना मुझे इसका एक तो ये यूआरएल दे देता है मुझे, ठीक है, इस इंडेक्स का। उसके अलावा यहाँ पे मुझे एक जगह पे एपीआई की दे रहा होता है, वो कहाँ है। अच्छा, एपीआई की अलग से इन्होंने बनाई हुई है, ठीक है, ये एपीआई की हो गई और ये साथ में उसके एनवायरनमेंट का नाम है। ठीक है, तो ये आप समझ लें कि एनवायरनमेंट जो है ना वो यूज़र नेम है और जो की है ये पासवर्ड है, तो यूज़र नेम और पासवर्ड मुझे दोनों यहाँ पे पास करना पड़ता है। ठीक है, तो ये यूज़र नेम और पासवर्ड मेरा इंडेक्स बनाऊँ या डिलीट करूँ उससे चेंज नहीं होता, तो ये ठीक होगा ना। ठीक है, मिसाल के तौर पे इस वाले को मैं चलो वेरीफाई भी कर लेता हूँ कि मेरे पास जो ना मेरे पास यहाँ डॉट ई एन वी में ना ये दोनों चीज़ें पड़ी हुई हैं, पाइन कोन एनवायरमेंट और पाइन कोन ए पी आई की। अच्छा, ये नीचे भी दो चीज़ें हैं, इसको भी हम देखते हैं ये क्या है। तो पाइन कोन ए पी आई की और पाइन कोन एनवायरमेंट, जिसमें से अभी मैंने क्या यूज़ कर लिया, अभी मैंने सिर्फ एक चीज़ यूज़ की है, सॉरी दोनों चीज़ यूज़ कर लिया मैंने। ठीक है, तो पाइन कोन को इनिट करने के लिए आप इन्वायरमेंट समझ लो कि यूज़र नेम है और ए पी आई की समझ लो कि पासवर्ड है, तो ये मैंने ऐसे करके कर दिया। अच्छा, अगला काम अब मैंने क्या करना है, आ जाओ मेरी रिपॉजिटरी के अंदर वापस।
ठीक है, इंसर्ट सिंगल डॉक्यूमेंट इनटू पाइन कोन, ऐसे करके ये फंक्शन बना हुआ है। तो इसके अंदर सारा का सारा मेरा कोड है। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन मैं क्या करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है, इस पोस्ट वाले के अंदर ले आता हूँ मैं, और यहाँ पे इस फंक्शन को मैं पेस्ट करता हूँ। और ऑब्वियसली इस फंक्शन को ये क्या किया, अच्छा वो कॉपी जो है ना उतना ही हो गया जितना था सेलेक्ट हुआ हुआ। ठीक है, ऑब्वियसली ये फंक्शन का मैं ये हटा दूंगा, ये जो पैरामीटर है उसको मैं डायरेक्ट इस तरह इस्तेमाल करूंगा ना। ठीक है, एक मिनट, मैं गलत जगह से मैंने वो हटा दिया, ये वाला था। ठीक है, अच्छा अब इसको देखना शुरू करते हैं कि इसमें हुआ हुआ क्या है। इसमें कुछ कमेंट्स भी मैंने लगाए हैं जो कि आप बाद में पढ़ सकते हैं। अच्छा सबसे पहले मैंने कहा ओपन ए आई डॉट क्रिएट एम्बेडिंग, ओपन ए आई डॉट क्रिएट एम्बेडिंग। अच्छा तो ये वेक्टर डेटाबेस के अंदर ये एक आपके पास आप समझ लें कि एक एडिशनल काम है कि जब भी आपको कोई डेटा वेक्टर डेटाबेस में सेव करवाना होता है तो आप क्या करते हैं, उसको पहले वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मेरे केस में जो अभी मेरे पास है ना, रिक्वेस्ट के अंदर क्या आ रहा है मेरे पास, इसमें मुझे वैलिडेशन, चलो वैलिडेशन छोड़ दो अभी, वो तो हमने डिस्कस की हुई है कई दफ़ा, लेकिन अगर मैं इसको कॉन्सोल कराऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है वो हम देख लेते हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, बल्कि वेल मोस्ट प्रॉब्ली मेरे पास क्या आ रहा होगा, मुझे अभी याद नहीं है मैंने फ्रंट एंड से क्या मैं यहाँ पे भेजा हुआ है, लेकिन मेरे पास जो है वो आ रहा होगा टाइटल आ रहा होगा। सही है, और उसके अलावा मेरे पास आ रहा होगा टेक्स्ट। सही है, इस तरह से मेरे पास कोई चीज़ आ रही होगी। सही है, तो ये वाली जो चीज़ है ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के अंदर जो स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं, तो मुझे ये इस तरह से वेक्टर डेटाबेस में मैं नहीं डाल सकता इसको, वेक्टर डेटाबेस में जब मैं इसको सेव करवाऊंगा तो इसको मैं वेक्टर में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, अच्छा वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे स्ट्रिंग देना पड़ता है उसको, और सामने से मुझे वो उसका वेक्टर दे देता है। अच्छा वेक्टर क्या चीज़ होती है, वेक्टर जो है उस स्ट्रिंग की न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, यानी आपको वो जैसे ही आप उसको स्ट्रिंग देंगे तो आपको वो इन रिटर्न क्या देगा, एक बहुत लंबा सा एरे दे देगा। अच्छा वो जो लंबा सा एरे होगा ना, उसका साइज़ क्या होगा, उसका साइज़ होगा 1536, यानी मेरे इस केस के अंदर जो है ना उसका 1536 इंडेक्सेस का एक एरे देगा मुझे ये। मैं इसको कोई भी स्ट्रिंग दूँ, कोई भी टेक्स्ट दूँ मैं इसको, चाहे वो एक वर्ड का हो, चाहे वो 10 वर्ड का हो, चाहे वो 200 लाइन का हो, चाहे वो 200 पेज का हो, मुझे वो 1536 इंडेक्सेस का एक ही एरे देगा हर दफ़ा। ठीक है, उसके अंदर वैल्यूज़ चेंज होंगी लेकिन उसका साइज़ 1536 ही रहेगा। अच्छा ये 1536 क्यों रहेगा, क्योंकि हम जो एम्बेडिंग क्रिएट कर रहे हैं वो हम ओपन एआई के ज़रिए क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ओपन एआई की जो एम्बेडिंग है वो हमेशा उसका जो साइज़ होता है वो इन्होंने पहले से ही डिफ़ाइन किया हुआ है कि जी इतना साइज़ होता है। ठीक है, तो मैं उसको सबसे पहले न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन उसकी गेट करूँगा। अच्छा सवाल ये अब कि क्या ओपन एआई एक वाहिद तरीका है एम्बेडिंग को क्रिएट करने का, या किसी भी टेक्स्ट को वेक्टर में कन्वर्ट करने का, इसका जवाब है नहीं। ओपन एआई के अलावा बहुत सारे अल्गोरिथम मौजूद हैं और हमेशा से मौजूद थे, यानी हमेशा से मौजूद का मतलब है कि जब से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बने तो जब से ये चीज़ें भी सामने मौजूद हैं, यानी इवन 90s में और 2000s में भी वेक्टर करके कुछ ना कुछ चीज़ मौजूद थी, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है एक्चुअली, दिस इज़ एक्चुअली अ मैथ। ठीक है, तो वो ये एक मैथमेटिकल अप्रोच है जस्ट, तो वो मैथमेटिकल अप्रोच तो जाहिर है कंप्यूटर से बहुत पहले का आइटम है ना, तो ये जब मैथमेटिक्स जब से आई है तो ये वेक्टर जब से ही हमारे सराउंडिंग में देखने को मिलते रहते हैं। ठीक है, तो ओपन एआई के अलावा और बहुत सारे अल्गोरिथम्स और बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, अपने जो टेक्स्ट को हम वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, या हम अपने टेक्स्ट की एम्बेडिंग बना लेते हैं।
हम ओपन एआई को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, हम किसी और को इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? वो हम इसलिए कर रहे हैं कि ओपन एआई का जो ये एम्बेडिंग है ना, इसका जो बेंच मार्क है वो सबसे अच्छा है। सही है, बेंच मार्क का मतलब है कि दो चीज़ें शामिल हैं इसमें बेंच मार्क में। नंबर एक तो ये कि जब मैं इसको टेक्स्ट दूंगा तो ये मुझे कितनी देर में वेक्टर बना के देगा, ठीक है, तो इसके अंदर सबसे फास्ट है ये इस वक्त। नंबर दो, जो ये वेक्टर बना के देगा उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी होगी, ठीक है, वो ओपन एआई की सबसे बेस्ट है। अच्छा, ये क्वालिटी वाला जो चक्कर है ना, ये हम ये कंप्लीट करने के बाद डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी क्वालिटी समझ नहीं आएगी। हम इसको कंप्लीट करने के बाद इसके ऊपर सर्च जब अप्लाई करेंगे ना, उसके बाद हम वेक्टर डिस्कस करेंगे कि वेक्टर इन द फर्स्ट प्लेस होता क्या है, और फिर ये वेक्टर की क्वालिटी अच्छी होने का क्या मतलब है, ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम इस पॉइंट पे कर रहे क्या है, असल में रिस्पॉन्स में मुझे 1536 इंडेक्सेस का जो है ना एक एरे मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये रिस्पॉन्स में एक्चुअली वो एक्जियोस वाला रिस्पॉन्स है एक्चुअली, ये तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट डेटा डॉट जीरो और एम्बेडिंग करके मुझे वो मिलता है। अच्छा, इसमें और भी कुछ चीज़ें मुझे दे रहा होता है ये कि जी इसको बनाने में टाइम कितना लगा, इसको बनाने में कितने टोकन खर्च हुए, क्योंकि आपको पता है ओपन एआई जो है वो पेड है, ठीक है, ये फ्री नहीं है। जब आप नया अकाउंट बनाते हैं तो आपको $18 देता है वो 3 महीने के लिए, जो कि आप कम कर दिया, गरीब हो गए ओपन एआई वाले हैं, 25 दिन के लिए $5 दिए। तो भाई ये देख लो, ये इनका फ्री ट्रायल है, 25 दिन के लिए $5 बंदे बता रहे हैं। जब मैंने बनाया था उस वक्त आज से 3 4 महीने पहले, हाँ देखो भाई, जो बोल रहा है वो कर लो, $5 मिनिमम है। हाँ, तो भाई $5 मिनिमम अगर वो कह रहा है तो $5 की क्रेडिट खरीद लो फिर आप चुप करके, दैट्स इट। नहीं, उसकी क्यों लिमिट होगी, उसकी क्यों लिमिट होगी? $5 यार इतना इतना ज़्यादा है। अगर मैं कह रहा हूँ $5 के क्रेडिट्स खरीदोगे ना, तो ये इतने ज़्यादा हैं कि ये पूरे कोर्स की जो प्रैक्टिस करोगे ना तुम, जितनी भी उसमें तुम ख़त्म नहीं कर सकते, $1 भी पूरा नहीं कर सकते। $5 अच्छा खासा बड़ा अमाउंट है, क्योंकि 1,000 टोकन जो है वो मेरे ख्याल है 40 सेंट का इस तरह है, तो $5 में तुम्हारे पास पता नहीं बहुत अच्छे खासे टोकन आएंगे, तुम्हारे पास पता नहीं लाखों में आ जाएंगे टोकन। हाँ, लिंक्डइन पे नहीं लगाओ, वीडियो बना के लगाओ लिंक्डइन पे नहीं लगाओ, ताकि जो है ना देखो एक्सप्लॉइट हो सकता है ना, तो इस वजह से लिंक्डइन पे नहीं लगाओ। हाँ देखो, असल बात यह है कि जब आप कोई चीज़ बनाते हो ना, तो उसकी मार्केटिंग करने में आपके थोड़े बहुत पैसे तो लगते हैं, तो मे भी आप ये कर सकते हो कि $5 की क्रेडिट लेके आप और उसको लिंक्डइन पे लगा दो। अगर तो ये वैसे अच्छा हो जाएगा अगर इस तरह हुआ है तो, कि $5 के मैं ख़रीदूँगा उतना ही चलेगा, उसके बाद चार्ज भी नहीं करे मुझे वो, इस तरह की अगर कोई सेटिंग है इसमें जो आ गई है अब अगर, तो अच्छी बात है। $5 लगा के आप छोड़ दो उसको, लोग यूज़ करेंगे तो थोड़ा आपकी मार्केटिंग होगी, दैट्स इट। तो थोड़ी सी अगर कॉस्ट इस तरह लगा के अगर आपको कोई अच्छी जॉब ऑफर आ जाती है, या कोई बंदा पटा जाता है आपसे, तो बंदा पटाने के लिए थोड़े 2 4 डॉलर $5 का इशू नहीं है इतना, ठीक है। लेकिन ये टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या ये बेयर कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कर सकता है, यहाँ पे बैठा हुआ बंदा $4 5 कर सकता है बेयर ना, ठीक है, और वो कहीं जा भी नहीं रहे, वो उसके अंदर ही रहेंगे। और देखें, वैसे भी अब तो आपने ओपन एआई तो यूज़ करनी है ना इन फ्यूचर, ठीक है, अपनी टेस्टिंग के लिए, तो आप समझ लें कि वो जब तक वो रहेगा $5, जब तक आप उसको टेस्टिंग में ला सकते हैं अपने। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया जी, ओपन एआई डॉट क्रिएट एम्बेडिंग करके ना, रिस्पॉन्स के अंदर मेरे पास क्या आ गया, ये एम्बेडिंग मुझे मिल गई। अच्छा, यहाँ पे कॉन्सोल में मैंने डिस्प्ले भी किया हुआ है कि जब मैं वेक्टर को इस तरह से कॉन्सोल करूँगा ना, तो कुछ इस तरह का मेरे पास एरे आएगा, ठीक है। ये देखो, एक इंडेक्स है, ये दो इंडेक्स है, फिर बीच में ये बहुत सारे इंडेक्स हैं, और ये यहाँ पे आखिरी इंडेक्स है। तो ये टोटल जो है वो 1536 इंडेक्स होंगे इसके। ये 1536 ना ओपन एआई वालों ने बोला हुआ है कि आप हमसे जो वेक्टर लोगे ना, उसका इंडेक्स होगा 1536, ठीक है। हाँ, मॉडल और मॉडल इनपुट क्या है? ये वाला? अच्छा, मॉडल, यार मॉडल तो एक ही है इसका, सही है, एम्बेडिंग का मॉडल एक ही है इसका, देख लेते हैं अभी। वैसे तो एक ही है, कोई दूसरा आया तो नहीं है अभी तक, नहीं
नहीं, बहुत सारे क्यों आ रहे थे, ओपन एआई मॉडल्स, ये आ गया ना प्राइसिंग के ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है। आ जाओ भाई आ जाओ, ये सारे मॉडल हैं इसके, सही है। मैं चला गया एम्बेडिंग मॉडल पे, एम्बेडिंग्स के मॉडल पे चला गया। एक तो ये जी चैट जीपीटी का इनका मॉडल है, उसको कंप्लीशन मॉडल कहते हैं ये, तो मैं एम्बेडिंग के मॉडल पे चला गया। एम्बेडिंग में अभी हम देख लेते हैं कि ये आ गया ना एम्बेडिंग, एम्बेडिंग में एक ही है भाई, ये टेक्स्ट एम्बेडिंग एडा 002 इज डिज़ाइन टू रिप्लेस द प्रीवियस 16 फर्स्ट जनरेशन एम्बेडिंग मॉडल एट अ फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट। अब इन्होंने अपनी ये तारीफ़ें की हुई हैं कि भाई हमने ज़रा तीर मार दिया है, 16 फर्स्ट जनरेशन पता नहीं कोई चीज़ थी उसकी कंपटीशन में इन्होंने ये रिलीज़ किया था और ये अच्छा चल रहा है, ठीक है। इन्होंने अनाउंसमेंट का ब्लॉग आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो। फिर दूसरे ये मॉडल आ जाते हैं। अब मॉडरेशन के अंदर इनके पास जो है ना दो मॉडल हैं, ठीक है, GPT-3 के ये सारे मॉडल हैं, लेकिन अभी तो हम पढ़ नहीं रहे ना, अभी तो जस्ट एम्बेडिंग पढ़ रहे हैं, तो अभी ये देख लेते हैं, ठीक है। लोगों को लगता है शायद ओपन एआई ना सिर्फ चैट जीपीटी है, लेकिन ओपन एआई जो है चैट जीपीटी तो बहुत बात की बात है, इसके अलावा भी बहुत सारे उसके टूल्स हैं जो शायद चैट जीपीटी से भी ज़्यादा बड़ा उन्होंने अचीवमेंट की है वो। लेकिन ज़ाहिर है प्रेस को तो एक ही चीज़ नज़र आती है सिर्फ कि यार हेलो करो तो हाय बोलता है सामने से, तो प्रेस जो है ना यही देखता है और कोई ज़्यादा चीज़ देखता नहीं है प्रेस हमारा, हमारा नहीं मतलब पूरी दुनिया में जो प्रेस है वो ज़रा ऐसी चीज़ें वो करता है ना जो चिकनी चपड़ी बात है जो लोगों को ज़रा सुनने में अच्छी लगती है ना, मिर्च मसाला उनको चाहिए होता है। अच्छा अब भाई सवाल ये है कि यहाँ पे मॉडल तो मैंने दे दिया और ये साथ में इनपुट में ना मुझे टेक्स्ट कोई वैल्यू देनी है, तो मैं टेक्स्ट वैल्यू क्या दूंगा, मैं ये मेरा टाइटल और टेक्स्ट इन दोनों को ना कॉन्कैटिनेट करके यहाँ पे दे देता हूँ। यार मैं एक दफ़ा रिएक्ट की ऐप में देख भी लेता हूँ कि मैंने ये इसी नाम से भिजवाया है कि क्या नाम से भिजवाया है। यूज इफेक्ट के अंदर टाइटल इनपुट रेफ और बॉडी इनपुट रेफ है ना। अच्छा इसमें मैंने जो ये पोस्ट वाला फंक्शन बनाया है इसमें कुछ भी नहीं लिखा मैंने, तो चलो सही है, मैं जो है ना टाइटल और बॉडी कर देता हूँ इसको, मैं टाइटल और बॉडी कर रहा हूँ इसको मैं, ठीक है, वहाँ पे भी मैं टाइटल और बॉडी करूँगा। तो मेरे पास जो भी टाइटल और जो भी बॉडी आया ना उन दोनों को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे ऐसे कॉन्कैडिनेट करके डाल दिया। अब इसमें मैं कॉन्कैडिनेट करके क्या क्या चीज़ें डालूँगा या क्या क्या चीज़ें डाल सकता हूँ ये अभी इसको ज़्यादा गौर से समझने की ज़रूरत नहीं है, सही है। ये हम ज़रा इसको कंप्लीट करते हैं फिर हम डिस्कस करते हैं कि ये वेक्टर के क्या फ़ायदे हैं वो सारे, ना उसमें आपको ये ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि इसमें क्या क्या आप चीज़ डाल सकते हैं, सही है। मैंने फ़िलहाल जो है ना टेक्स्ट को और बॉडी को स्पेस के साथ कॉन्कैडिनेट किया है, ठीक है, स्पेस बीच में डाला है और कॉन्कैडिनेट इसको कॉन्कैडिनेट कर दिया। हाँ टाइटल, यस सही है, टाइटल और बॉडी कर दिया मैंने। अच्छा मेरे पास ये वेक्टर बन के आ गया। अब वेक्टर बनने के बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा पाइन कोन डॉट इंडेक्स, ठीक है, पाइन कोन का जो इंडेक्स है जो मेरे डेटाबेस का जो उसमें नाम है, ठीक है, इंडेक्स नेम एक्चुअली इज़ अ डेटाबेस नेम। मैं देख लेता हूँ कि मेरे इंडेक्स का भी राइट नाउ नाम किया, मेरे इंडेक्स का ये नाम है क्रड ऑपरेशन, ठीक है। तो मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाके ना इसको नाम को यही वाला नाम बना देता हूँ, मेरा कहाँ गया डॉट ENV, ये रहा डॉट ENV मेरा, ठीक है, ये इंडेक्स नेम है ना मेरे पास जो, अरे यार नहीं एडिट मैं कर सकता हूँ इसको, क्यों नहीं कर सकता, मैं इसको इधर ला के एडिट करके फिर वापस लेके जाऊँगा। सही है, ये मैंने इसको एडिट कर दिया। सही है, इसको मैंने एडिट कर दिया जुगाड़ से,
ठीक है, तो अब मेरे पास जो ये इंडेक्स का नेम है ना, ये सही हो गया अब। अच्छा, इंडेक्स के नेम के अलावा ना इसको एक चीज़ और चाहिए होती है, नेम स्पेस। अब ये नेम स्पेस क्या चीज़ है? देखो, इंडेक्स नेम तो डेटाबेस का नाम हो गया, ठीक है। नेम स्पेस जो है ना इसका, वो जाहिर है हर डेटाबेस में अलग अलग टेबल बनती है जो, तो ये वो चीज़ है। नेम स्पेस जो है वो इसकी टेबल है, समझ लो। या मोंगो डीबी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो कलेक्शन है, ठीक है। ये वाला जो है ना नेम स्पेस जो है, ये असल में क्या है, ये कलेक्शन है एक तरह का, ठीक है। अच्छा, नेम स्पेस मेरे पास इन्वायरमेंट वेरिएबल में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है नेम स्पेस, ठीक है। ये रहा, इसमें क्या लिखा हुआ है वैल्यू मुझे दिख रहा नहीं है, लेकिन वो मुझे दिख जाएगा जब मैं डेटाबेस हिट करूँगा ना, जब तो यहाँ पे जब डेटा जाके एंटर होगा तो मुझे यहाँ पे ना नेम स्पेस दिख रहा होगा, यहाँ पे किसी जगह मुझे बहरहाल वो दिख रहा होता है कि ना मेरा डेटा किस नेम स्पेस पे गया है। अच्छा, नेम स्पेस में मल्टीपल बना सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास जो एक इंडेक्स है ना, जैसे मिसाल के तौर पर मेरा इंडेक्स है क्रड ऑपरेशन इस वक्त, तो इसके अंदर मैं जितना भी डेटा इंसर्ट मार रहा होता हूँ, ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं कोई नेम स्पेस ना बताऊं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने 200 पोस्ट मारी ना इस वाले इंडेक्स के ऊपर, तो मैं उन 200 पोस्ट के अंदर मैं कोई ना कोई नेम स्पेस दूंगा। मैंने कहा नेम स्पेस, मिसाल के तौर पर इसका नाम है पोस्ट, क्योंकि इसमें पोस्ट का डेटा जा रहा है, तो वो सारा का सारा इसके अंदर रहेगा, यानी कलेक्शन है एक तरह की। अच्छा, फिर अगर मैं नेम स्पेस चेंज मारूंगा तो वो दूसरे नेम स्पेस पर जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जब भी मैं सर्च मारूंगा, जब भी इसको, जाहिर है डेटाबेस तो इसीलिए बनता ना कि क्वेरी कर सकूं बाद में, जब मैं सर्च मारूंगा तो मुझे बताना पड़ेगा कि किस नेम स्पेस में सर्च करना है ना। जैसे मोंगोडीबी में होता है कि भाई अगर एक यूज़र की कलेक्शन है, एक पोस्ट की कलेक्शन है, एक मैसेजेस की कलेक्शन है, तो मैं तीनों में अलग अलग तरह का डेटा डालता हूं, और जब मुझे मैसेजेस सर्च करने होते हैं कि यार वो मैसेज लाओ जो आज शाम को 6 बजे के बाद आया है, तो मैं डॉट मैसेजेस के ऊपर सर्च मारता हूं ये वाला, मैं यूज़र्स पे नहीं मारता, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें क्या होगा कि हम अलग अलग तरह का डेटा, जो मेरा इंडेक्स है यानी कि जो मेरा डेटाबेस है, उसके अंदर जो अलग अलग तरह का डेटा है वो मैं अलग अलग नेम स्पेस के अंदर रखता हूँ, ठीक है। और नेम स्पेस बनाने की मेरे पास कोई लिमिट नहीं है, जितने भी नेम स्पेस मैं बना सकता हूँ, ठीक है। ठीक इसी तरह जैसे मोंगोडीबी के अंदर जितने भी कलेक्शन मैं चाहूँ बना सकता हूँ, या सीक्वल के अंदर मैं जितने भी टेबल चाहूँ मैं बना सकता हूँ, तो इसी तरह ये भी बना सकता हूँ मैं। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने रखा गया है, इसके अंदर ये देख लेते हैं कि क्या रखा गया है। मैंने कहा जी इंडेक्स इक्वल्स टू पाइन कोन इंडेक्स, ये पाइन कोन का एक इंडेक्स मैंने इनिशियलाइज़ कर लिया, ठीक है। अच्छा, मेरे पास जाहिर है मेरे डेटाबेस के अंदर, यानी जो पाइन कोन का मेरा जो ऊपर मैंने कनेक्ट मारा हुआ है एपीआई की, मेरे इस पाइन कोन के अंदर ना एक से ज़्यादा भी वो हो सकता है, एक से ज़्यादा भी इंडेक्सेस हो सकते हैं, ठीक। इसी तरह जैसे मोंगोडीबी के अंदर हम करते हैं ना कि डॉट डीबी, और एक से ज़्यादा उसमें हो रहे होते हैं। नहीं देखो, जाहिर है हर डेटाबेस ने ना ज़रा तरीका अपना एक बताया हुआ होता है ना, तो हमें वो तरीका फॉलो करना पड़ता है। तो ये लाइब्रेरी है इनकी जो इन्होंने बना कर दी हुई है, तो इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में बताया कि भाई इस तरह इसको इस्तेमाल करना है, तो हम इसको ऐसे कर रहे हैं। अच्छा, दोस्त का सवाल असल में ये है, अगर मैं सही समझाऊँ तो इन्होंने कहा है कि यार ये जो मैं करता हूँ ना यहाँ पे पाइन कोन डॉट इंडेक्स करके यहाँ पे मैं इनिशियलाइज़ करता हूँ जो, तो क्या मैं ये नहीं कर सकता कि मैं टॉप पे ही कर लूँ और बाद में उसको जस्ट मैं इस्तेमाल करता रहूँ? शायद कर सकता हूँ, यस, ठीक है, शायद मैं कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस इंडेक्स के ऊपर डॉट अपसर्ट कॉल कर रहा हूँ ना मैं, तो उसको मैं चाहूँ तो शायद टॉप पे रख सकता हूँ, ऐसा मसला शायद नहीं है कोई, ठीक है। एक से ज़्यादा दफ़ा यूज़ कर सकते हैं इसको, लेकिन स्टिल इसको शायद बार बार अगर मैं लिखता हूँ तो उसमें भी कोई मज़ायका नहीं है, क्योंकि ये कोई एसिंक रिक्वेस्ट नहीं है, ये ना लोकल रिक्वेस्ट है, ये मतलब रिक्वेस्ट है ही नहीं है कोई, ये असल में एक ऑब्जेक्ट तैयार हो रहा है। जब मैं इसको करता हूँ ना कि पाइन कोन डॉट इंडेक्स और उस पर ये लगाता हूँ, तो ये एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट तैयार हो रहा है, दैट्स इट। इसमें कोई रिक्वेस्ट नहीं लग रही सर्वर के ऊपर ना, इस लाइन के ऊपर आई एम श्योर कि इस लाइन पर कोई रिक्वेस्ट नहीं लग रही है। और नीचे भी मैं क्या करता हूँ, ये अपसर्ट रिक्वेस्ट करके एक ऑब्जेक्ट तैयार करता हूँ जिसमें मैं डेटा डाल रहा होता हूँ जी। उसके लिए भी रहेगा, बट कोई ओवरहेड नहीं होगा आई थिंक इसका। इसको मैं कट करके ऊपर ले जाता हूँ मे बी। नहीं, चलो पहले इसको चला लेते हैं इतने को, ठीक है, जब हिट होना शुरू हो जाएगा तो उसको ऊपर ले जाके चेक कर लेंगे कि क्या होता है। कुछ होगा नहीं आई थिंक। मैंने असल में जो अपना हेलो वर्ल्ड बनाया हुआ था उसमें ज़रा मैंने फंक्शनल अप्रोच की हुई थी कि पूरा पूरा एक फंक्शन था, उसको इनपुट देते थे तो और अंदर ही सब कुछ होता था।
तो इसलिए मैंने इसको अंदर रखना ज़रूरी समझा हुआ था उस टाइम पे, लेकिन इस पॉइंट पे मैं शायद इसको बाहर भी रख सकता हूँ, जो मेरे अभी वाली जो अप्रोच है ये। अच्छा, तो मैंने क्या किया जी कि पाइन कॉन डॉट इंडेक्स करके इसको ये मेरा इंडेक्स का नेम दे दिया, यानी कि मेरा डेटाबेस का नाम दे दिया। उसके बाद मैंने अपसर्ट रिक्वेस्ट बनाई। अपसर्ट रिक्वेस्ट में ये वेक्टर करके ना, ये एक एरे है मेरे पास, ठीक है। इस एरे के अंदर इस वक्त एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैं एक सिंगल डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। मैं इसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी रख के भेज सकता हूँ, तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट मैं नहीं रख रहा हूँ, मैं दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को हटा रहा हूँ यहाँ से, सही है। और मेरे पास ये वाला जो आइटम है, अच्छा नैनो आईडी की मुझे इसमें ज़रूरत रहेगी शायद, नैनो आईडी की मुझे इसमें ज़रूरत रहेगी। ऊपर मैंने नैनो आईडी को उड़ा दिया था, नैनो आईडी की मुझे ज़रूरत रहेगी। वापस लाते हैं नैनो आईडी को ना, सही है। नैनो आईडी गेट बैक, सही है। नैनो आईडी को मैं वापस ले आया, क्यों? नैनो आईडी को मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ ना यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आईडी देना ज़रूरी होता है, ठीक है। जब हम पाइन कॉन के डेटाबेस में हम जब डेटा इंसर्ट करते हैं, तो ये कहता है आईडी देना ना ज़रूरी है, यहाँ पे रिक्वायर्ड है। और आईडी क्या देते हैं आप? आईडी एक यूनिक आईडी देते हैं। अगर आपने कोई ऐसी आईडी यहाँ पे दी ना जिस आईडी से पहले ही डॉक्यूमेंट मौजूद है, तो वो क्या करेगा, उस अपसर्ट है, क्योंकि रिक्वेस्ट का नाम आप और करेंगे ना, तो अपसर्ट है। अपसर्ट का मतलब क्या होता है पता है किसी को? अपसर्ट जो होता है वो अपडेट और इंसर्ट का कॉम्बो होता है, ठीक है। अपडेट और इंसर्ट का कॉम्बो होता है। अच्छा, ये क्या करता है अपसर्ट? जब हम कोई नया डेटा इंसर्ट करने लगते हैं ना, जब हम कोई नया डेटा इंसर्ट करने लगते हैं, तो वो डेटा ज़ाहिर है पहले से मौजूद नहीं होता। हम इंसर्ट करते हैं, वो इंसर्ट हो जाता है। लेकिन अगर जस्ट इन केस अगर वो डेटा पहले से मौजूद है उसी आईडी के ज़रिए, तो वो ज़ाहिर है इंसर्ट करते हुए तो वो आईडी कॉन्फ्लिक्ट मार देगा और एरर आने का चांस है। तो हम ये डिसाइड करते हैं कि यार उसको आप अगर मौजूद है तो अपडेट मार देना। इसी तरह अपडेट करने में भी होता है, अपडेट करने में ही होता है। मैंने एक आईडी लिखी और मैंने कहा यार अपडेट मारो ये। अब अगर तो वो मौजूद ही नहीं है तो वो कहाँ से अपडेट मारेगा? तो अपसर्ट में क्या होता है कि अगर वो मौजूद नहीं है तो आप क्रिएट मार दो। तो अपसर्ट जो है ना, वो इंसर्ट और अपडेट का कॉम्बो होता है। अच्छा, इसमें इंसर्ट का फंक्शन अलग से नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही फंक्शन है अपसर्ट। उसी से अपडेट भी होता है, उसी से इंसर्ट भी होता है। ज़रा इन्होंने शॉर्ट शॉर्ट काम किया हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, तो ये आईडी इस वजह से मुझे देनी पड़ेगी, और आईडी हमेशा मुझे यूनिक देनी पड़ेगी। तो नैनो आईडी से मैंने यूनिक आईडी क्रिएट करवा ली। अच्छा, उसके बाद मुझे क्या देना पड़ेगा? वैल्यू। वैल्यू के अंदर मुझे वो जो एरे मिला है ना मेरा, जो वेक्टर है, क्योंकि वेक्टर डेटाबेस में वेक्टर ही स्टोर होता है और कोई चीज़ स्टोर नहीं हो सकती इसमें, तो ये वेक्टर पूरा का पूरा मैं इसमें दे दूंगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, वेक्टर मैंने दे दिया यहाँ पर, तो ये आईडी और वेक्टर ये दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, तो ये क्रिएट हो जाएगा। एडिशनली मैं मेटा डाटा के अंदर आके ना कोई जेसन भी दे सकता हूँ, ठीक है, जो कि क्या होगा, मेटा डाटा होगा। यानी जो एक्चुअल रिकॉर्ड है ना, इसके साथ ये बस एक अटैच होगा, इसके ऊपर आप कोई क्वेरी श्वेरी नहीं मार सकते। मतलब मार सकते हैं, लेकिन इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं मार सकते आप, ठीक है। ये मेटा डाटा है, ये जस्ट आपको साथ में, जब भी इस रिकॉर्ड को आप गेट करोगे तो ये मेटा डाटा भी साथ में मिलेगा, ठीक है। अब क्योंकि वेक्टर को मैं वापस एक्चुअल टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता, वेक्टर को मैं वापस एक्चुअल टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो इस वजह से मैं मेटा डाटा के अंदर ना वो एक्चुअल डेटा भी रखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि सर्च तो करके मैं ले आऊँगा। वेक्टर को मैं सर्च करूँगा ना, अब वो सर्च कैसे होता है वो हम देखेंगे। वेक्टर को मैं सर्च करके तो ले आऊँगा, लेकिन वो वेक्टर जब आएगा तो मेरे पास वो नंबर का एक एरे होगा, उसका मैं करूँगा क्या? उसको मैं यूज़र को कैसे दिखाऊँगा? और उसको वापस मैं टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। वो वंस वेक्टर बन गया तो वो बन गया। अब वेक्टर मौजूद है मेरे पास, मैं उसको वापस टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, अगर मुझे जो एक्चुअल टेक्स्ट मिल जाए और मुझे ये बोला जाए कि यार कंपैरिजन करो कि क्या ये टेक्स्ट और ये वेक्टर ये एक ही डेटा का टेक्स्ट और वेक्टर है, तो वो मैं शायद वेरीफाई कर पाऊँ। लेकिन मैं एक्चुअल डेटा में वापस कन्वर्ट नहीं कर सकता अगर मेरे पास सिर्फ वेक्टर है, एक्चुअल डेटा नहीं है मेरे पास, सिर्फ वेक्टर है, तो मैं उस वेक्टर को वापस से एक्चुअल डेटा में कन्वर्ट नहीं कर सकता। चाहे मैंने वो ओपन एआई से क्रिएट मारा हो वो वेक्टर, या किसी भी एल्गोरिथम से मैंने वो वेक्टर तैयार किया हो, तो मैं उसको वापस एक्चुअल डेटा में कन्वर्ट नहीं कर सकता। जी दोस्त, हाँ, वेक्टर यूज़ क्यों कर रहे हैं वो अभी हम देखते हैं ना। जी, यही सवाल है ना। हाँ, अभी ये असल में शुरू में हाँ, नहीं तो इसी वजह से मैं एक्चुअल डेटा ना यहाँ रखूँगा अब, ठीक है। तो एक्चुअल डेटा मैं यहाँ रख देता हूँ जल्दी से ला के। मेरे पास क्या था जी, ये हाँ, ये पूरा मुझे पास आइटम है ना ये वाला, तो ये पूरा आइटम मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे,
ऐसे रख दूंगा, ठीक है। और इस आइटम के अंदर मैं क्या रखवा रहा हूँ एक्चुअली, इसमें मैं रखवा रहा हूँ कि जी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल, सही है जी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, सही है जी। तो ये मैंने एक्चुअल डेटा यहाँ पे रखवा दिया। अब ये जो मेरा डेटा है ना, ये इतना एक्चुअली मेरा डेटा है, ठीक है। इसके ऊपर ये जो वेक्टर और एरे लिखा है ना, ये इसका बॉयलर प्लेट है, ये हर दफ़ा इसी तरह होगा। तो ये इतना इतना ऑब्जेक्ट मेरा डेटा है, सही है। स्टिल मैं एक डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ, तो मैं एक ही ऑब्जेक्ट रखूँगा, मुझे मल्टीपल करना होगा तो मैं कॉमा लगा के पूरा एक ऑब्जेक्ट और भी बना दूंगा, ठीक है। तो ये उसको भी एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे MongoDB के अंदर ना इंसर्ट वन अलग है, इंसर्ट मैनी अलग है, इसमें दोनों एक ही है। इसमें एक ही, आप एक डालो दस डालो, इसको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये उसको एक्सेप्ट कर लेगा। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो मैंने इंडेक्स तैयार किया था ना, इंडेक्स इनिशियलाइज़ किया था, अब इस इंडेक्स के ऊपर मैं बोलता हूँ इंडेक्स डॉट अपसर्ट, और अपसर्ट रिक्वेस्ट जो है ना इसके अंदर यहाँ पे पास करता हूँ। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मैं इधर यहाँ पे पास करता हूँ। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट को जब मैं पास करता हूँ, आप नोट करें, इसको मैं डी स्ट्रक्चर करके पास करता हूँ, ठीक है, डी स्ट्रक्चर करके मैं इसको पास करता हूँ। अब ये डी स्ट्रक्चर आप सब लोगों को पता है कि क्या होता है, इसको ज़रा एक्सप्लेन करने की मज़ीद ज़रूरत नहीं है कि क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मैं इसका जो रिस्पांस आता है, अवेट लगा के ज़ाहिर है मुझे कोई ना कोई रिस्पांस मिलता है, उसको मैं कॉन्सोल पे लॉग करवा लेता हूँ। और उसके बाद क्योंकि मेरा ये फंक्शन था तो मैं रिटर्न करता था, ठीक है, जो भी रिस्पांस आता था ना उस रिस्पांस को मैं रिटर्न करता था। लेकिन क्योंकि अब मेरा ये फंक्शन नहीं है, तो इसमें मुझे रिटर्न लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि रिस्पांस डॉट सेंड लगाने की ज़रूरत है। और रिस्पांस डॉट सेंड लगाकर मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पे कि भाई स्टोरी आपकी सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एरर आने का भी पूरा पूरा चांस है, क्योंकि अवेट करके मैं रिक्वेस्ट मार रहा हूँ इंटरनेट पे, ठीक है, तो इंटरनेट की रिक्वेस्ट फेल भी हो जाती है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसको पूरे को ट्राई कैच में डालना होगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि मैं इतने को सिर्फ ट्राई कैच में डालूं या मैं पूरे को ट्राई कैच में डाल दूं, सही है। क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट वगैरह बन रहा है, इसमें भी एरर आने का चांस हो सकता है किसी, जैसे मैंने यहाँ पे नलिश ऑपरेटर लगाया ना, अब जैसे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ही एम्प्टी मिल गया तो एरर आ जाएगा यहीं, ठीक है। एरर चलो नहीं आएगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी अनडिफाइन आ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे नलिश ऑपरेटर में नहीं लगाता ना अगर, तो यहाँ पे पूरा पूरा चांस था फिर एरर आने का। लेकिन चलो अभी यहाँ पे एरर नहीं आएगा, अनडिफाइन आ जाएगा मे बी, सही है, एरर आने का चांस ज़रा कम है अभी। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इतने पार्ट को मैं ट्राई कैच में डाल रहा हूँ जितने पार्ट में ये इंटरनेट पर रिक्वेस्ट जा रही होती है, ठीक है। और रिस्पॉन्स डॉट सेंड यहाँ पर मैंने कहा स्टोरी सक्सेसफुली क्रिएटेड, और यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि जी रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस नॉट स्टेटस 500, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कह दिया भाई रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500। और इस एरर को मैं कॉन्सोल भी करा देता हूँ, यार ये बड़ी देर में देता है कभी कभी सजेशन। अच्छा जी, तो ये मेरी जो पोस्ट की रिक्वेस्ट है ना, ये एक्चुअली अब क्या है, पूरी की पूरी तैयार है, ठीक है। ये पोस्ट करने वाली जो रिक्वेस्ट है, ये पूरी की पूरी मेरी तैयार है। अब मैं आता हूँ अपने फ्रंट एंड के ऊपर वापस, और अपने फ्रंट एंड के ऊपर मैं ये वाला ऑब्जेक्ट भिजवाने की कोशिश करता हूँ, और app.js, ये जो मैंने पोस्ट करके इसको खाली छोड़ा हुआ है ना, और मेरे पास क्या था, टाइटल इनपुट ref डॉट करंट डॉट वैल्यू, सही है, इसी तरीके से बॉडी इनपुट ref डॉट करंट डॉट वैल्यू, सही है। ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ से भिजवा दी, और रिस्पॉन्स डॉट डेटा जो था उसको कॉन्सोल पे जस्ट लॉक करवाया हुआ है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट डेटा में मुझे वो सक्सेसफुली क्रिएटेड लिखा हुआ आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। और मैसेज के अंदर ये मुझे अलर्ट में भी दिख जाएगा, और फॉर्म रीसेट भी हो जाएगा। और ये डेटा क्या चीज़ है, ये डेटा कुछ भी नहीं है, ठीक है,
आते हैं अब अपने फ्रंट एंड से, हम इस पर रिक्वेस्ट भेज के देखते हैं क्या होता है। ये मेरी आ गई फ्रंट एंड की ऐप, इसके अंदर मैं लिखता हूँ कि यार एबीसी स्टोरी और एबीसी टेक्स्ट, और मैं इसको करता हूँ अब पोस्ट। चलिए ले भाई और ले लिया थोड़ा, ठीक है 404 दे दिया इसने। 404 क्या है भाई? अच्छा ये लोकल होस्ट 3000 पर रिक्वेस्ट मारने की कोशिश कर रहा है, वो इसलिए कोशिश कर रहा है ये लोकल होस्ट 3000 पे क्योंकि मेरा जो प्रोडक्शन का जो यूआरएल है जो इस वक्त वो जो है ना लोकल होस्ट 3000 है। तो उसके लिए मैं फ़ौरी तौर पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉन्स्ट बेस यूआरएल लिखता हूँ, और बेस यूआरएल लिख के मैं क्या कर देता हूँ http://5001, ठीक है बस ये 5001 तक होता है। इसको मैंने यहाँ पे बेस यूआरएल डिक्लेयर कर दिया ऊपर। इसका जो प्रॉपर सॉल्यूशन है वो कुछ और है ज़रा, वो हम नहीं नॉट डी एन वी नहीं है, असल में मुझे एक ग्लोबल वेरिएबल बनाना पड़ता है कहीं ना कहीं, और उसको मैं इधर इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। ये ग्लोबल तो नहीं है ना, ये तो इस कंपोनेंट से बाहर नहीं मिलेगा मुझे, ठीक है। तो मैं एक अलग फ़ाइल में इसको बना के ना कॉन्फिग के नाम से एक फ़ाइल बना के उसके अंदर मैं ये रख रहा होता हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी ज़रा सा इसको यहीं रखते हैं, फिर देखते हैं इसको क्या करना है। ओ यार ये क्या हुआ है, बेस यूआरएल सही है, बेस यूआरएल मैंने डिफ़ाइन कर दिया है कि भाई फ़िलहाल अभी रिक्वेस्ट ज़रा इस पे भेजो। दोबारा हिट किया मैंने, अब क्या मसला हो गया, लोकल होस्ट 5001/api/v1/story/api/v1/story सही तो है, और पोस्ट की रिक्वेस्ट है ना, हाँ पोस्ट की रिक्वेस्ट है। इधर क्या आया भाई, सर्वर तो हमारा चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है, ज़बरदस्त चल रहा है। ओपन ए आई क्रिएट एम्बेडिंग इज़ नॉट अ फंक्शन, ओपन ए आई इंस्टॉल किया, इन्होंने अपडेट मार दिया शायद, है ना, इन्होंने अपडेट मार दिया, तो अपडेट कर देते हैं अपना कोड भी हम, क्या मसला है, अपना कोड भी हम अपडेट कर देते हैं। क्या बकवास है यार, चलो इनके डॉक्यूमेंटेशन में से कोड कॉपी मार लेते हैं ना चल के। जावास्क्रिप्ट की एग्जांपल ही नहीं दी हुई यहाँ पे इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने दी हुई पाइथन की एग्जांपल और रेस्ट एपीआई की एग्जांपल। एम्बेडिंग डॉट क्रिएट कर दिया इन्होंने, डॉट एम्बेडिंग डॉट क्रिएट, आ जाओ फिर यही करके देखते हैं। हाँ सजेशन आएगी, नहीं आएगी यार, हाँ यार डॉट एम्बेडिंग्स डॉट क्रिएट ऐसे कर दिया, थोड़ा सा चेंज किया इन्होंने, सही है। आ जाओ अब दोबारा हिट करते हैं इसको, चलो अब कुछ कुछ तो आगे बढ़ा है। अब की बार क्या एरर दिया इसने, अब की बार कह रहा है कि रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट, अच्छा रिस्पॉन्स का भी वो चेंज किया इन्होंने, रिस्पॉन्स भी पूरा चेंज किया, ठीक है। तो वो कह रहा है कि रिस्पॉन्स के अंदर जो डॉट डेटा है ना वो मुझे नहीं मिल रहा, हाँ तो इसको ना कंसोल कराना पड़ेगा। मैंने क्या किया, रिस्पॉन्स डॉट डेटा को मैंने कॉन्सोल कराया ताकि मुझे दिख जाए कि इस पूरे में मिल क्या आ रहा है मुझे, सही है इस पूरे में मुझे क्या मिल रहा है वो यहाँ पे दिख जाए मुझे। अच्छा रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट एम्बेडिंग है अब डायरेक्ट, ये जो डॉट डेटा दो दफ़ा हुआ हुआ था ना ये इन्होंने मसला हल कर दिया, सही है। रिस्पॉन्स डॉट डेटा का इंडेक्स ज़ीरो, ये एक डेटा यहाँ से हट जाएगा, सही है। रिस्पॉन्स डॉट डेटा का इंडेक्स ज़ीरो और डॉट एम्बेडिंग है डायरेक्ट उस पर, सही है परफेक्ट हो गया। अभी दोबारा हिट मारता हूँ मैं इसको, क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब देखो ये एग्जांपल बनाए हुए मुझे कितना दिन कितना टाइम हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे,
ये मैंने कब कमिट मारी है आखिरी इस पर? कहाँ आता है लिखा हुआ यार? होम पे आता है लिखा हुआ ना, 26 जुलाई को मारा है मैंने। तो जुलाई से अगस्त और सितंबर अभी शुरू हुआ है, 2 या 4 तारीख है आज, क्या है 6 तारीख है, 6 सितंबर है आज। तो बस ये देखो थोड़ा बहुत इन्होंने ना चेंज मार दिया इधर। अच्छा आके हम देखते हैं ज़रा पाइन कोन के डैशबोर्ड पे कि मुझे ना वेक्टर काउंट यहाँ पे 1 दिखना शुरू हो गया अब, सही है, और यहाँ पे मुझे वेक्टर ना नज़र भी आना शुरू हो जाएगा कि ये वेक्टर यहाँ पे पड़ा हुआ है। अरे क्यों नहीं नज़र आ रहा? अच्छा हाँ, नीचे नेम स्पेस में मुझे दिख रहा है, सही है, मुझे नेम स्पेस में दिख रहा है ABC नेम स्पेस, ठीक है। तो मैंने इसका मतलब है ENV के अंदर ABC नेम स्पेस लिखा हुआ था और उसके अंदर वेक्टर नंबर ऑफ वेक्टर जो ना 1 आ रहा है। अब मैं यहाँ पे एक और जाके हिट मारूंगा, मैंने कहा कि भाई सम टाइटल सम टेक्स्ट, दोबारा मैंने इसको हिट किया और ये सक्सेसफुली पोस्ट हो गया। मैं वापस यहाँ पे जाऊँगा तो अब इसका काउंट देखो 2 हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना ये क्वेरी यहाँ पे हम देख सकते हैं इस डैशबोर्ड पे, लेकिन हम कैसे उसको क्वेरी करके देख सकते हैं ना, ठीक है। अपसर्ट और क्वेरी का यहाँ पे उन्होंने एक UI बना के रखी हुई है, लेकिन इसको हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा इसका अभी तक कोई मुझे वो ऐसा क्लाइंट टाइप का दिखा नहीं है मुझे, जो हम उसमें करते हैं ना MongoDB में, कि उसका MongoDB का एक क्लाइंट होता है कंपास के नाम से, तो उसमें मुझे दिख रहा होता है सारा आइटम। तो इस तरह का कोई अभी आइटम दिखा नहीं है, लेकिन होगा, मोस्ट प्रॉब्ली होगा, पाइन कोन क्लाइंट लिखोगे तो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम क्या कर सकते हैं, यहीं से क्वेरी करने का मेरे पास ऑप्शन है। मैं इसके अंदर जो है ना JSON एडिटर है, मैं बोलूँगा यार ये वाला आइटम मुझे क्वेरी करके ला के दो, तो ये कुछ भी नहीं लाया, ठीक है, इस क्वेरी के अंदर। लेकिन अभी हम उसको प्रोग्रामिंग से करेंगे, यहाँ से करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा आ जाते हैं जी, अब हम गेट के ऊपर आ जाते हैं अब हम, ठीक है। ये पोस्ट वाले को पूरा मैंने क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया। अच्छा गेट वाले के ऊपर मैंने क्या करना है अब जाके, यही मेरे पास बना हुआ है पहले से वो गेट वाला आइटम भी, ओके ठीक है। ये इंसर्ट सिंगल डॉक्यूमेंट ये हमने कवर कर लिया, इंसर्ट मल्टीपल डॉक्यूमेंट में कुछ खास है नहीं, वही है एक्चुअली, वो एरे में आप 3-4 आइटम डालो। डिलीट ऑल वेक्टर है हमारे पास, क्वेरी पाइन कोन इंडेक्स, ये एक आ गया हमारे पास आइटम, ठीक है जी। क्वेरी पाइन कोन इंडेक्स करके मैंने इसको पकड़ा और यहाँ पे लाके इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अच्छा मुझे क्या चाहिए, क्वेरी का टेक्स्ट चाहिए इसमें एक, नो एक्चुअली मुझे क्वेरी नहीं चाहिए अभी, गेट ऑल वो चाहिए ना मुझे। अच्छा होता है इसी से भाई, दबे सही है, याद आ गया मुझे। अच्छा अब मेरे पास क्या होगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टेक्स्ट के ऊपर ना मैं ठीक है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल, सही है, मैं ऐसे टाइटल मुझे क्वेरी में मिलेगा और इस क्वेरी को मैं क्या करूँगा, ये क्वेरी टेक्स्ट है ना मेरा, ये क्वेरी टेक्स्ट मेरा ये तैयार हो गया। अच्छा अब जो भी टाइटल बंदे ने अभी लिख के भेजा है, मिसाल के तौर पे मैं एक यहाँ पे पोस्ट क्रिएट कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ कि भाई Elon Musk ठीक है रीट्रीटेड, सही है Elon Musk का ही कैपिटल कर देता हूँ, ये एक टाइटल है। और यहाँ पे मेरे पास कुछ क्या आ गया, कुछ इस तरह से डेटा मैंने लगा दिया यहाँ और पोस्ट कर दिया इसको मैंने, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, टाइटल में यही बात लिखूँगा मैं, Elon Musk रीट्रीटेड लिखूँगा मैं। तो ये दो तरीके हो सकते हैं, एक तो ये है ना कि मतलब मैं कोई टेक्स्ट लिख के सर्च करूँ, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि मैं सारी चीज़ें गेट करना चाह रहा हूँ, तो फिलहाल अभी मैं सारी चीज़ें गेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको क्या कर दूँगा, मैं एम्प्टी स्ट्रिंग कर दूँगा इसको मैं, सही है, इसको मैं एम्प्टी स्ट्रिंग कर दूँगा। एम्प्टी स्ट्रिंग करके जब मैं क्वेरी मारूँगा तो मुझे सब मिलेगा। अच्छा एम्प्टी स्ट्रिंग करके मैंने ये हुआ है ना, हाँ ये वाला करना पड़ेगा, एम्बेडिंग्स डॉट क्रिएट, अभी अभी सिंगल डेटा वाले पे आते हैं, अभी स्टोरीज पहले कर लेना ताकि सारा स्क्रीन पे मेरे प्रिंट होना शुरू हो जाए, होगा इसी फंक्शन से एक्चुअली वो, ठीक है। एम्प्टी टेक्स्ट करूँगा तो सब मिलना शुरू हो जाएगा मुझे। अच्छा ये जी एम्बेडिंग हमारी तैयार हो गई, एम्बेडिंग में से ये डॉट डेटा हट जाएगा, ये जो इन्होंने चेंजेस मारी हैं, ठीक
ठीक है, जीरो डॉट एम्बेडिंग मेरे पास ये वेक्टर प्रिंट हो गया। अब ये वेक्टर जो मेरे पास बन के आ गया ना, क्योंकि भाई ये वेक्टर डेटाबेस है, तो इसमें जब मैं डेटा रखवाता हूँ तो उसको मैं वेक्टर में कन्वर्ट करके रखवाता हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसमें क्वेरी करूँगा ना, तो भी क्या करूँगा मैं, इसको जो क्वेरी दूंगा मैं वो टेक्स्ट में नहीं दूंगा मैं, बावजूद इसके कि एम्प्टी स्ट्रिंग मेरी क्वेरी है, लेकिन मैं इसमें नहीं दूंगा, मैं इसको दूंगा वेक्टर में कन्वर्ट करके। तो मैंने इस एम्प्टी स्ट्रिंग को भी वेक्टर में कन्वर्ट किया, ठीक है। अच्छा, एम्प्टी स्ट्रिंग का वेक्टर मैं ये भी कर सकता था कि कॉन्स्टेंट बना लूँ, उसमें एम्प्टी स्ट्रिंग का वेक्टर यहाँ पे पहले ही रखवा दूँ, एक दफ़ा कन्वर्ट करके ना रखवा दूँ, बार बार क्रिएट ना करूँ, ये भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल मैंने ये नहीं किया, फ़िलहाल मैंने क्रिएट करवा लिया। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा कि यार पाइन कोन डॉट इंडेक्स, और इंडेक्स का नाम लिख के इसको इनिशियलाइज़ किया मैंने, ठीक है, जो हर फंक्शन में मैं अलग कर रहा हूँ ये। उसके बाद मैंने कहा कि इंडेक्स डॉट क्वेरी। अब क्वेरी के अंदर ना नंबर एक तो मैंने दिया वेक्टर, ठीक है, नंबर एक मैंने दे दिया वेक्टर, वेक्टर मेरा क्या है इस वक्त, एम्प्टी स्ट्रिंग है। या मैं आईडी भी दे सकता था, अगर मुझे आईडी पता है ना किसी डॉक्यूमेंट की, तो मैं आईडी भी दे सकता हूँ, आईडी से भी उठा सकता हूँ, क्योंकि आईडी मैंने हर दफ़ा यूनिक दी हुई है इसको। अच्छा, उसके बाद मेरे पास है कि टॉप के, टॉप के जो है ना वो एक्चुअली नंबर ऑफ़ रिजल्ट्स हैं, कि मुझे कितने नंबर ऑफ़ रिजल्ट्स चाहिए। मिसाल के तौर पे मैंने जैसे मोंगोडीबी में होता है ना, फाइंड वन होता है एक, और एक होता है जस्ट फाइंड। फाइंड वन में क्या होता है कि उस क्वेरी के क्राइटेरिया पे एक डॉक्यूमेंट उठाता है और लेकर आ जाता है, हालांकि वो फाइंड में क्या करता है, जब तक आखिर तक जाता है पूरा, और उसको ढूंढता रहता है ढूंढता रहता है। इसके अंदर एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ है, ये बोलता है फाइंड वन नहीं है, आप नंबर बताओ, आप बोलो पाँच, तो मैं आपके क्राइटेरिया पे पाँच डॉक्यूमेंट जैसे ही मुझे मिल जाएंगे मैं वापस आ जाऊँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ कि भाई पाँच रिजल्ट मुझे, पाँच नहीं एक्चुअली, इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है ना इसकी, वो 10,000 है, सही है, 10,000 समथिंग है वो इनके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें मैं लिखूँगा ना मैक्सिमम टॉप के, तो आ जाएगा मैक्सिमम टॉप के पाइन कोन। यहाँ पे मैंने शायद मेंशन भी किया हुआ होगा किसी जगह पे ना, पता नहीं। बहरहाल ये जो है ना 10,000 समथिंग के अराउंड है, इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में किसी एक जगह पे मेंशन किया हुआ है ना कि जी ये 10,000 होगा। इसके अलावा मैंने स्टैक ओवरफ्लो पे इसका एक जगह पे जवाब भी दिया था, वहाँ पे भी मैंने मेंशन किया था कि जो है ना ये जा भाई, क्या हो गया, ठंडा हो गया ये, तो फेच ऑल डेटा करके आ रहा होगा जो आंसर्स। ये रहा, इज देयर अ मैटर टू फेच ऑल डेटा, सही है। यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया हुआ है कि जी ना अबे कहाँ मेंशन किया है मैंने, नहीं किया हुआ यहाँ पे भी मेंशन भाई, हालांकि मुझे करना चाहिए था। यहाँ पे मैंने क्या आंसर किया था स्टैक ओवरफ्लो पे, यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था कि टॉप जस्ट मेक द मैक्सिमम वैल्यू लिख दिया मैंने, लेकिन ये नहीं लिखा कि मैक्सिमम होता कितना है। ये 10,000 11,000 के अराउंड समथिंग होता है ये, तो मैक्सिमम आप इतने इतना डेटा आप गेट करवा सकते हैं एक वन गो में ना। तो मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग रखा है इसके ऊपर, मैंने इसको वैक्टर में कन्वर्ट किया, मैंने कहा भाई इस वैक्टर के थ्रू आप सर्च करके लाओ इसको, और टॉप 10,000 डॉक्यूमेंट, मैंने इसको 1,000 कर देता हूँ जस्ट फॉर सेफ साइड ना, कि अभी चलता है, फिर उसको मैं 10,000 करके देखता हूँ। अच्छा, इंक्लूड वैल्यूज़ और इंक्लूड मेटा डाटा, अभी इन दोनों पे ना ट्रू लिखा हुआ है बाई डिफ़ॉल्ट। मिसाल के तौर पे मुझे सर्च करके जो डेटा मंगवाना है वो मैंने क्या मंगवाना है, इसमें दो चीज़ें हैं ना जो रिस्पॉन्स में मुझे मिलेगी, एक तो है वैक्टर जो रखा हुआ है वैक्टर उसके अंदर, एक रखा हुआ है मेटा डाटा, तो मैंने दोनों पर ट्रू कर दिया, मुझे दोनों ला के दे भाई फिलहाल ना। अच्छा, किस नेम स्पेस पे ये सर्च चलाना है वो यहाँ लिखा हुआ है, पाइन इसको पाइन को नेम स्पेस मैंने जो लिखा हुआ है एनवायरनमेंट वेरिएबल में, तो वही वाला। तो मैं जिस नेम स्पेस में डेटा डाल रहा हूँ उसी नेम स्पेस में मैं क्वेरी चलाऊँगा तो मुझे डेटा मिलेगा,
ठीक है, अच्छा फिर किसी दूसरे नेम स्पेस में मैंने कोई दूसरा डेटा डाला हुआ है तो वहाँ पे मैं फिर उस डेटा के लिए सर्च करूँगा। तो इट इट्स जस्ट लाइक कलेक्शन कि जिस नेम स्पेस में डाला है वहीं मुझे सर्च चलाना होगा। तो मैंने अभी जिस नेम स्पेस में डाला है वहाँ पे मैं सर्च चला रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वेक्टर से सर्च करके लाओ और टॉप 100,000 वैल्यूज़ लाओ, तो वो सारी की सारी वैल्यूज़ मेरे पास लेकर आ जाएगा वो। अच्छा रिस्पॉन्स के ऊपर जो है ना डॉट मैचेज़ करके मेरे पास एक एरे मिलता है, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट मैचेज करके मेरे पास एक एरे मिलता है जिसमें मुझे तमाम का तमाम ना वो डॉक्यूमेंट मिल जाता है, जो भी क्वेरी के रिजल्ट में आया है ना वो सारा का सारा मिल जाता है। अच्छा यहाँ पे मैंने क्या चलाया हुआ है कि जी मैप चला के ना उसको स्क्रीन पे प्रिंट भी करवाया हुआ है कि जी किसका स्कोर कितना है, ठीक है। लेकिन मेरे केस में फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, मेरे केस में फ़िलहाल मैं ये करता हूँ कि रिस्पॉन्स डॉट सेंड में ना ये डॉट मैचेस का पूरा एरे भेज देता हूँ फ्रंट एंड में, और फ्रंट एंड में मैं देख लूँगा क्या करना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार मैंने कहा कि रिस्पॉन्स डॉट मैचेस, ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स डॉट मैचेस को पूरा मैंने फ्रंट एंड पे भेज दिया अपने। अच्छा अब इसी तरीके से देखो यहाँ पे जिधर ये रिक्वेस्ट लग रही है ना इतना पार्ट जो है इसके अंदर एरर आने का पूरा चांस है, तो इसको मुझे ट्राई कैच में लिखना चाहिए आइडियली, ठीक है। फिलहाल मैं ट्राई कैच अभी इसमें ऐड नहीं कर रहा, लेकिन इसको ट्राई कैच में लिखना चाहिए मुझे, सॉरी हाँ क्वेरी रिस्पॉन्स एक्चुअली, यस क्वेरी रिस्पॉन्स एक्चुअली। अच्छा ऐप डॉट जी एस में जाके अब मैंने क्या करना है, यूज़ इफेक्ट के अंदर ज़ाहिर है उसको हिट करना है मैंने, तो एक यूज़ इफेक्ट बनाता हूँ मैं नया, ठीक है, और एक यूज़ इफेक्ट नया बना के उसमें मैं क्या करता हूँ एक रिक्वेस्ट लगाता हूँ, क्या रिक्वेस्ट होगी वो, एग्जियोस डॉट गेट बेस यूआरएल, ठीक है, स्टोरीज सही है जी, और कॉन्स्ट ठीक है अवेट ऐसे कर दिया मैंने, और इसको यूज़ इफेक्ट के फंक्शन को मैं एसिंक नहीं बना सकता, ठीक है, उसके अंदर एरर आता है और उन्होंने रेकमेंड नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा फंक्शन बनाऊंगा, बल्कि इसको मैं पूरे फंक्शन को ही बाहर बना लेता हूँ, ठीक है, उस फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ कि यार कॉन्स्ट गेट ऑल, हाँ गेट ऑल स्टोरीज इक्वल्स टू एसिंक, ठीक है, ये मैंने ऐसे कर दिया। और जब मेरे पास स्टोरीज आ जाती हैं तो उसको मैं कहाँ रखवा देता हूँ, एक स्टेट वेरिएबल में रखवा देता हूँ मोस्ट प्रॉब्ली, लेकिन फिलहाल मैं जस्ट उसको कंसोल तो कराऊँ पहले, ठीक है जी, रिस्पॉन्स डॉट डेटा। अच्छा और यूज इफेक्ट के अंदर जैसे इस फंक्शन को मैं जस्ट कॉल कर देता हूँ गेट ऑल स्टोरीज, ठीक है, इस फंक्शन को जस्ट मैं यूज़ इफेक्ट में कॉल कर देता हूँ, तो उससे होगा क्या कि जब भी मेरा पेज लोड होगा, जब भी मेरा कंपोनेंट लोड होगा, तो ये फंक्शन एक दफ़ा कॉल हो जाएगा, लेकिन ये फंक्शन मेरे पास मौजूद रहेगा, मैं किसी और बटन शटन के क्लिक पे भी इसको दोबारा हिट करा सकता हूँ इस फंक्शन को, ठीक है। इस फंक्शन को ज़रा मैं नीचे ले आता हूँ और यूज़ इफेक्ट को मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, आगे देखते हैं जी अब क्या होता है, एरर दिया इसने, ठीक है, जैसे ही इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो रिक्वेस्ट लगती है, हाँ रिक्वेस्ट लगती है और ये डेटा आ जाता है मेरे पास, ठीक है, ये डेटा मेरे पास आ गया है रिक्वेस्ट लगने के बाद, टोटल मेरी तीन पोस्ट थी तो तीनों पोस्ट का डेटा मेरे पास आ चुका है, सही है, तीनों को मैं बारी बारी खोल के देखता हूँ, ठीक है, सम टेक्स्ट आ गया, ये वाला आ गया, और एक क्या लिखा था मैंने, वो एलॉन मस्क रिट्रीटेड भी तो लिखा था मैंने, वो नहीं आया, ये वाला आ गया ना एलॉन मस्क रिट, तो टोटल मेरे पास तीन वैक्टर थे, तीनों के तीनों आ गए, तीनों के तीनों क्यों आ गए, क्योंकि मैंने इसको एम टी स्ट्रिंग एक तो दे के भेजा था, ठीक है, और दूसरा मैंने इसको बोला था कि भाई 1000 डॉक्यूमेंट ये लेकर आ जाओ। अच्छा अब मैं आता हूँ ज़रा, इसको मैं 10,000 कर देता हूँ, ठीक है, 10,000 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है एक्चुअली, ठीक है 10,000 तक ये एक्सेप्ट कर रहा है, एक सर्टन पॉइंट पे ना अगर मैं इसको करता हूँ ना 20,000 तो ये एरर में मुझे बता देता है, एक एरर का मैसेज आता है इसमें, उस मैसेज में ये मुझे बता देता है कि हाँ यार आप ना मुझे बहुत ज़्यादा दे दिया आपने मुझे, सही है, देखो क्रैश कर गया ना ये, इसने बोला कि यार टॉप के जो वैल्यू है ना वो 1 से लेके 10,000 तक है, हाँ यहाँ पे इन्होंने देखो मेंशन कर दिया, तो बस इसको मैं 10,000 दूंगा, जो
जो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। और अब मैं इसको जब यहाँ से हिट करूँगा तो ये बिल्कुल सेट रहेगा, ठीक है। तीन रिकॉर्ड फाउंड हो गया, और ये तीनों को जिस तरह से मैंने यहाँ पे कॉन्सोल करवाया हुआ ना, यहाँ पे देख लो क्या सीन है। अच्छा बस एक मुझे सॉरी 5 मिनट और चाहिए होगा, जो पीछे लोग बैठे हैं उनसे माजरत। जस्ट मैं यहाँ पे एक बात और बताऊँगा और मैं यहाँ से फिर निकलूँगा ना। अच्छा देखो, क्वेरी के अंदर मैंने इस वक्त एम्प्टी स्ट्रिंग दिया था ना, अब मैं यहाँ पे दूंगा रीट्रीटेड सिर्फ, ठीक है। क्वेरी के टेक्स्ट के अंदर मैंने रीट्रीटेड दिया है, तो मुझे ये वो तमाम पोस्ट ला के दे देगा जिसके अंदर कहीं ना कहीं रीट्रीटेड का जिक्र होगा, सही है। देखते हैं अब क्या होता है। अच्छा अब मुझे टॉप के भी इसका जो है ना 10,000 नहीं करूँगा मैं, ठीक है। 10,000 करूँगा तो मुझे फिर भी ये सभी ला के दे देगा, लेकिन सबसे टॉप पे जो होगा ना वो सबसे करीब तरीन होगा, वो टॉप पे लेकर आएगा ये, ठीक है। क्योंकि ये वेक्टर सर्च है, तो सिंगल डेटा को गेट करने का जो तरीका मैं बता रहा हूँ वो इस तरह से हो रहा होगा इसके अंदर। अब मैं जैसे रीट्रीटेड लिखता हूँ ना मैं, और टॉप के को मैं कर देता हूँ 1, तो मुझे रिजल्ट में ये कौन सा वाला डेटा ला के दे रहा होगा? मुझे रिजल्ट में ये वो ला के दे रहा होगा जिसमें रीट्रीटेड का जिक्र है, ठीक है। एक आइटम लेकर आया है और ये ऑब्वियसली वही वाला लाया है, रीट्रीटेड वाला, सही है। हाँ ये समझ आ गया। अब इससे देखो होगा क्या, टॉप के वो नंबर है उसका कि कितने डॉक्यूमेंट लाने हैं। मैंने फाइंड वन किया ना, मैंने फाइंड वन किया और मैंने कहा रीट्रीटेड जिसमें लिखा हुआ वो लाओ, फाइंड वन किया मैंने, तो जो सबसे करीब तरीन था वो लेकर आ गया, खुद फिल्टर करके ले गया, कहीं पे भी हो कहीं पे नहीं, टाइटल बॉडी में नहीं हो। देखो यहाँ पे गौर से समझो, जब मैं इसको इंसर्ट कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, इंसर्ट का वाला कहाँ चला गया, गायब हो गया। अबे इंसर्ट, अच्छा इंसर्ट वाला नीचे है। इंसर्ट करते हुए ना देखो, मैंने जो ये क्रिएट किया है ना एम्बेडिंग, इस एम्बेडिंग में मैंने टाइटल और बॉडी दोनों दिया है, तो टाइटल और बॉडी दोनों के अंदर जो भी होगा वो पकड़ में लेकर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब मैंने इसको एम्बेडिंग को यहाँ डाला है ना, तो यहाँ पे देखो ये वेक्टर को इस तरह दिया, तो इस वेक्टर के अंदर वो सर्च कर रहा है एक्चुअली, ठीक है। इस ये वेक्टर तो एक एक पैराग्राफ है ना, उसको टाइटल और बॉडी अलग अलग थोड़ी दे रहा हूँ मैं, एक पैराग्राफ के तौर पर दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा तो अब इससे होगा क्या, अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि मैं यहाँ से लिख लिख के डाल रहा हूँ टेक्स्ट और पोस्ट करता जाऊँगा, नीचे एक लंबी लिस्ट बनती जाएगी पोस्ट की। इसका फ्रंट एंड अभी हमने कंप्लीट नहीं किया, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम फ्रंट एंड कंप्लीट करते हैं, लेकिन फंक्शनैलिटी हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है, ठीक है। यहाँ पे मैं पोस्ट करता जाऊँगा, पोस्ट के नीचे यहाँ पे लिस्ट बन के आती जाएगी। मेरे पास यहाँ पे एक सर्च बार होगा टॉप पे, टॉप में सर्च बार में मैं लिखूँगा इलॉन और एंटर करूँगा, तो नीचे वो तमाम पोस्ट आने के बजाय सिर्फ वो वाली आ जाएंगी जो इलॉन वाली होगी, सही है। 10,000 नहीं करेंगे उसको, फिर मैं करूँगा हाँ 10,000 भी कर सकता हूँ। हाँ देखो असल में जो सर्च होता है ना, नॉर्मली जो सर्च होता है जब किसी भी पेज के ऊपर, जब उसमें मैं सर्च करता हूँ ना, तो वो 10 या 20 रिजल्ट लेकर आता है, उसके बाद नीचे बोलता है वो नेक्स्ट पेज बोलता है, तो 20 रिजल्ट भी अगर मंगवाते हो तो इज़ गुड इनफ ना, सारे आ जाएंगे। हाँ 20 लिखेंगे तो 20 लाएगा, नियरेस्ट लेकर आएगा नियरेस्ट। हाँ नहीं अगर मैं इसको बोलूँगा ना, देखो अभी एक चीज़ नोट करना, यहाँ पे हुआ क्या है, एक चीज़ यहाँ पे नोट करना, लास्ट में जो मैंने ये चीज़ प्रिंट करवाई है ना, मैंने प्रिंट करवाया है कि यार स्कोर है इसका 0.8 और ये है वो डेटा जिसके ऊपर 0.8 स्कोर हुआ है, सही है। अच्छा अब मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ गेट वाले पे आके बोलता हूँ मैं कि ना ये 100, तो नियरेस्ट 100 लाएगा। नियरेस्ट 100 का मतलब है, मिसाल के तौर पे एक मोहल्ले में घर ही 2-3 है, अब मैं बोलता हूँ कि यार एक घर देता हूँ मैं आपको, उसके नियरेस्ट 100 घर ढूंढ के लाओ आप, ठीक है। कितने भी दूर, नियरेस्ट का मतलब है कि ये नहीं, अगर पहला घर उस घर से 200 किलोमीटर दूर है तो वो नियरेस्ट में ही आएगा, उससे करीब तो कोई नहीं है ना। तो बावजूद इसके कि मैं जो क्वेरी दे रहा हूँ इसको, जो इसमें लिखा है मैंने कि रीट्रीटेड, ठीक है, तो टोटल जो 3 घर है ना उसमें से ये रीट्रीटेड से जो करीब तरीन जो घर है वो 200 किलोमीटर दूर है, लेकिन है वो नियरेस्ट क्योंकि उससे पहले और कोई है नहीं, तो ये भी तीनों लेकर आएगा क्योंकि मैंने टॉप के 100 दिया ना, तीनों लेकर आएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे मुझे उसका स्कोर जो है ना वो थोड़ा सा कम दिख रहा होगा ऑब्वियसली। इधर देख लो पहले सर्च का जो स्कोर है ना, ये एक का 0.8 है और बाकी तीनों का जो है वो 0.7 है, यानी कि उससे कम है,
तो स्कोर के जरिए भी डिस्टिंग्विश किया जा सकता है उसको। बोलो। हाँ नियरेस्ट जो वो टॉप पे होगा उसके बाद सारे नीचे नीचे होंगे उसके। ठीक है, तो इससे हमने क्या देखा कि ये सर्च करने के लिए सबसे बेस्ट है। बताओ वेक्टर ही सर्च के लिए किया ना, वेक्टर सर्च के लिए किया। हाँ सर्च के लिए किया, वेक्टर का मेन पर्पस जो सर्च के लिए उसको मैंने वो किया ट्रांसफॉर्म। अच्छा सुन लो, अभी अगले क्लास में करके क्या लाना है तुम्हें ये सुन लो ज़रा। पोस्ट करना सीख लिया हमने, गेट ऑल पोस्ट और गेट सिंगल पोस्ट ये दोनों सीख लिया हमने। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, एक ऐसा पेज होगा जिस पे मैं लिखूंगा पोस्ट, नीचे ऐसे लिस्ट बन रही होगी और ऊपर एक सर्च बार लगा हुआ होगा। सर्च बार में मैं जो भी लिख के सर्च करूंगा, एंटर करूंगा, वो वाली पोस्ट सामने आ जानी चाहिए। ठीक है, हो जाएगा इतना काम, ये कोड मैं पुश कर रहा हूँ और आपके पास ये वीडियो भी अवेलेबल हो जाएगी इंशाल्लाह थोड़ी देर में। चलें जी, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में। अभी वो हम देखते हैं क्या है, स्टोरेज प्राइसिंग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में ना, प्राइसिंग को डिस्कस करते हैं।